दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग में। अभी हम बालासिनोर में है। बालासिनोर में हमने एक मकान रेंट पर लिया हुआ था। ये उन्हीं दादा दादी का है। कुछ ही समय हम यहाँ पर रहे हुए हैं, लेकिन ये दादा दादी का स्नेह बहुत ही अच्छा था। हमें हर चीज़ में हेल्प करते थे, तो यादगिरी के रूप में उन्हें हम अपने ब्लॉग में शामिल कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय सोमनाथ, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर महादेव जी के दर्शन किए और अभी हम वापस अपने वतन में जाने वाले हैं। श्री मुर्डेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये, साथ ही में और भी देवी देवताओं के भी मंदिर है। तो मंदिर में दर्शन करके अभी हम निकलेंगे। रास्ते का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। दोस्तों, अभी हम साबरमती नदी क्रॉस कर रहे हैं। अडालज में अभी हम रुके हुए हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। यहाँ का नाश्ता और चाय बहुत ही अच्छी मिलती है। जब भी आप आए तो अडालज के पास ये जगह है, जरूर से नाश्ता ट्राई करना। तो नाश्ता में हमने वड़ा पाव और वनीला गाठिया मंगाया है और ध्यानी के लिए पोहा आने वाला है, साथ में पापड़ी भी आने वाली है। नाश्ता बहुत ही टेस्टी था और हरी चटनी बहुत ही लाजवाब थी। नाश्ता करके अभी हम वतन में जाएंगे। कलोल के डीमार्ट मॉल में कुछ शॉपिंग करी और बारिश जोरों से शुरू हो चुकी है और अभी हम घर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। फ्रेंड्स, अभी 8:40 हो गई है, बारिश भी जोरों से हो रही है। अभी हमने कलोल के डीमार्ट में से थोड़ी शॉपिंग करी। डीमार्ट में मोबाइल अलाउड नहीं है, इसी वजह से अंदर का सीन आपको मैंने नहीं दिखाया। बस आज के वीडियो में इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैं सहयोग की लच्छी खा रहा हूँ। माहिर अपने नाना के साथ है और खेल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम अपने कर्म भूमि की ओर जा रहे हैं। नंदासन हाईवे पर फैमिली मेंबर को मकई खानी थी, तो वो लेकर ही हम आगे चले। अभी हम स्पार्कलिंग होटल में पहुंच गए हैं। पालमपुर में बहुत सारी वेटिंग थी, इसी वजह से स्पार्कलिंग होटल में आ गए। ये होटल बहुत बड़ी है और यहाँ पर जल्दी से नंबर आ जाता है। तो ध्यानी के साथ कुछ स्टार्टर में हमने पनीर टिक्का और स्प्रिंग रोल मंगवाए, साथ में एक सब्जी, रोटी, दाल तड़का और जीरा राइस, बटर मिल्क, वो सारी चीज़ें खाई। यहाँ का खाना
एज यूजुअल बहुत ही अच्छा था, हम सबको पसंद आया। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ पर एक दिन में बहुत सारी बारिश हुई और बनासकांठे में भारी बारिश की आगाही भी है। आज का कोट सुनाता हूँ, जिसकी गति और मति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं।